बहुत सारे किसानों का सवाल रहता है कि नॉन रिटर्न वॉल या फिर इस तरीके का प्रेशर रिलीज वॉल या इस टाइप के एयर वॉल्स अपने अपने पाइपलाइन में कहां और कैसे इस्तेमाल करते हैं और इन सब का इस्तेमाल करने से क्या फायदा हो सकता है। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं HG पॉलीमर से आपको पाइपलाइन के सेफ्टी रिलेटेड प्रोडक्ट्स के बारे में बताने आया हूं। अभी हम बात करेंगे नॉन रिटर्न वॉल के बारे में। ये नॉन रिटर्न वॉल आपकी पाइपलाइन के शुरुआत में लगता है। ये नॉन रिटर्न वॉल जब आप अपनी मोटर बंद करेंगे, जो आपकी पाइपलाइन में का जो पानी रहेगा ये रिटर्न आपकी कुएं में या आपके नदी में या आपके वापस बोरवेल में जाने से रोके रखता है। इसका एक और काम रहता है, ये आपकी पाइपलाइन को हमेशा पानी से भरा हुआ रखता है। जैसा आप दोबारा मोटर स्टार्ट करेंगे तो आपका तुरंत ही पानी पाइपलाइन से बाहर आने लगता है। ये नॉन रिटर्न वॉल से जो आपके पाइप में पानी रोके रखता है, आपका पानी मोटर आप जब स्टार्ट करेंगे ये पूरा पानी पाइपलाइन भर के पानी निकलने के लिए जो टाइम लगता है वो टाइम भी आपका इससे बच जाता है। अब बात करेंगे प्रेशर रिलीज वॉल के बारे में। ये प्रेशर रिलीज वॉल आपके पाइपलाइन के ऊपर जो प्रेशर ज्यादा बढ़ता है उसको यहाँ से ये रिलीज करता है। जैसे आपके मान के चलो आपकी पाइपलाइन 4 kg की है, अगर आप इसको 4 kg प्रेशर पे सेट कर देंगे तो जैसे आपके 4 kg के पाइप के ऊपर प्रेशर बढ़ के 5 kg हो गया तो ये यहाँ से रिलीज करेगा। ये आपकी पाइपलाइन को फूटने से बचाएगा और आपकी मोटर को जलने से बचाएगा। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स में होता क्या है, ये मेन लाइन पे इंस्टॉल होना जरूरी है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स में होता क्या है कि वहां पे प्रेशर कंट्रोल करने के लिए आप अपनी सबलाइन का जो वॉल रहता है वो कम कर देते, जिससे होता क्या है मेन लाइन के ऊपर प्रेशर बढ़ने लगता है, जिस प्रेशर बढ़ने की वजह से आपकी पाइपलाइन फूट भी सकती है। इस नॉन प्रेशर रिलीज वॉल के रहने से आपका प्रेशर यहाँ से रिलीज हो जाएगा और आपको पता भी चलेगा कि आपकी मेन लाइन पे प्रेशर पड़ रहा है। इस प्रेशर रिलीज वॉल को आपको मेन लाइन पे आपकी पाइपलाइन के शुरुआत में बिठाना है, आपके नॉन रिटर्न वॉल के बाद में बिठाना है। नॉर्मली प्रेशर रिलीज वॉल 4 kg प्रेशर पे सेट किया हुआ रहता है। अगर आपको इसको 6 kg प्रेशर पे सेट करना है तो मैं आपको बताऊंगा। ये ऑरेंज कलर का इसके ऊपर का कवर है, आपको इसको बस ऐसे एक नट से निकालना है और यहाँ पे एक स्प्रिंग है। ये स्प्रिंग का टेंशन इन दोनों स्क्रूज पे है। ये स्क्रूज को आप थोड़ा सा टाइट कर देंगे तो थोड़ा ज्यादा प्रेशर के बाद में ये ऑपरेट होने लगेगा, थोड़ा लूज करेंगे तो थोड़ा कम प्रेशर पे ऑपरेट होगा। नॉर्मली इसको 4 kg प्रेशर पे ही सेट किया हुआ रहता है। अभी बात करेंगे एयर वॉल के बारे में। एयर वॉल से आपकी पाइपलाइन को क्या सेफ्टी रहती है, और बहुत सारे किसानों का एक कॉमन सवाल रहता है कि कौन सा एयर वॉल बिठाना है पाइपलाइन के लिए। जैसे इसमें बहुत सारे साइजेस आते हैं, 1/2 inch का आता है, 1/4 inch का आता है, 1 inch का आता है। अभी हम बात करेंगे कि कौन सा एयर वॉल अपनी पाइपलाइन पे बिठाना है। आपकी पाइपलाइन जो रहेगी उसका 1/4 साइज का आपको एयर वॉल कंपलसरी बिठाना है। जैसे आपकी पाइपलाइन है 4 इंची की तो 4 इंची का 1/4 हो गया 1 inch, 1 inch का एयर वॉल आपको कंपलसरी बिठाना है। जैसे आपकी पाइपलाइन हो गई 2 इंची की तो आपको 1/2 inch का एयर वॉल बिठाना कंपलसरी है। अभी हो गया एयर वॉल कहाँ बिठाना है। अगर आपकी पाइपलाइन सीधे है, कहां पे भी ऊपर नीचे नहीं है, सीधे जा रही है, तो आपको कंपलसरी आपका एयर वॉल हर 1000 फीट के ऊपर एक एक एयर वॉल आपको कंपलसरी देना है। और आपकी पाइपलाइन जैसे ऊपर जाके नीचे से ऊपर जाके वापस नीचे जाने वाली है तो आपको इसके पीक टॉप पे बिठाना कंपलसरी मैंडेटरी रहेगा। इसका काम ये रहेगा, जब आपकी मोटर बंद हो जाएगी तो जो टॉप वाला पानी रहेगा ये वाला पानी आगे की तरफ चला जाएगा और पीछे वाला पानी पीछे की तरफ निकलने देखेगा। जो यहाँ पे गैप रहेगा इस गैप में वैक्यूम बनना स्टार्ट हो जाएगा, उस वैक्यूम से आपकी पाइप दबना स्टार्ट हो जाएगी। अगर वही पीक पे अगर आप एयर वॉल बिठाएंगे ये यहाँ से अंदर हवा छोड़ेगा और जब आपकी मोटर स्टार्ट होगी जितना भी हवा रहेगी वही से निकल जाएगी। तो इसका ये काम रहता है ये केस में जो पाइप ऊपर नीचे जाएंगी। अगर आपकी पाइपलाइन एक दफा नहीं ऐसे ही 2 दफा ऊपर नीचे जा रही है तो हर पीक पे हर पॉइंट पे आपको एक एक एयर वॉल कंपलसरी बिठाना है जो आपकी पाइपलाइन की सेफ्टी रखेगी या आपकी पाइपलाइन को वैक्यूम से बचाएगी। अगर आप सबको अपनी पाइपलाइन को सालों साल चलाना है तो इन सभी सेफ्टी चीजों का आपको अवश्य इस्तेमाल करना पड़ेगा जिससे आपकी पाइपलाइन सालों साल चलेगी।
अगर आप सब चाहते हैं कि हम ऐसे ही एग्रीकल्चर रिलेटेड हेल्पफुल वीडियोस बनाएं, तो आप हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ जिस भी प्रोडक्ट के बारे में आपको जानना है आप हमें कमेंट भी कीजिए।